हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज यू इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वेयर माइनस बी अपॉन आर, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज, चार चॉइस देखिए। तो देखो, इसका की कंसेप्ट बता दूँ पहले आपको कि आपने पढ़ा हो डी यू इज इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है माइनस के स्मॉल वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के। अब डी यू तो डी यू लिखें इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, कैसे लिखते हैं आप लिख सकते हो इसको एफ, स्मॉल वर्डन है इसलिए एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ पर हम ये कंसिडर पे चल रहे हैं कि आपका एफ और डी आर की डायरेक्शन सेम है, तो डी यू इक्वल टू माइनस का एफ डी आर कॉस 0 डिग्री। चलिए एफ की वैल्यू लिखें तो माइनस का डी यू ओवर डी, डायरेक्शन सेम मान के चलिए। तभी यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस का डेल यू ओवर डेल आर लिख सकते हैं। यानी तो डेल का मतलब हो गया कि आपका केवल और केवल आर वेरिएबल है, बाकी के सारे टर्म कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल यू ओवर डेल आर, ऐसे लिखना ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि हमने यह कंसिडर किया है कि आर की एफ और डी आर की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलिए अब इसमें एफ इक्वल टू इतना आ गया और जैसा कि यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में कह रहा है, तो इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम वाले केस में एफ नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि तो अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उस पार्टिकल पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो 0, तो एफ इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम, माइनस का डी यू ओवर डी आर। अब इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू माइनस के डी यू ओवर डी आर। तो ये तो कंडीशन हो गई है आपकी, तो आप एक काम करिए डी यू ओवर डी आर की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तब उस फिर आर कैलकुलेट करेंगे उससे कि आर कितना आता है, चेक करते हैं नाउ। तो आप करिए यू इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वेयर माइनस बी ओवर आर, इसको डिफरेंशिएशन करिए विद रेस्पेक्ट टू तो डी यू ओवर डी आर इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो ए बार लिख लो डी ओवर डी आर और आर की पावर को ऊपर ले आइए माइनस के टू, ऐसे बी को बाहर लिख लो डी ओवर डी आर आर की पावर माइनस वन, और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप कि डी ओवर डी आर आर की पावर एन, तो एन आर एन माइनस वन, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो देखो यहाँ एन की वैल्यू माइनस के टू है, तो आप एन की वैल्यू माइनस के टू पुट कर दीजिए, माइनस के टू पुट करें तो माइनस के टू ए आर की पावर माइनस के थ्री। ठीक है, इसमें भी आर को आगे माइनस वन को आगे ले आइए, तो एन की वैल्यू माइनस वन पुट कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी और आर की पावर माइनस के टू, ये डी यू ओवर डी आर आ गए। और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है कि डी यू ओवर डी आर की वैल्यू इक्विलिब्रियम वाले केस में 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो माइनस के टू ए ओवर आर क्यू और प्लस बी अपॉन आर स्क्वेयर, इसको आप इधर ले आइए, तो माइनस के टू ए ओवर आर क्यू प्लस बी अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप या तो इसमें से 1/r कॉमन ले लीजिए, आप 1/r कॉमन ले लें तो माइनस के टू ए अपॉन आर प्लस बी 1/r² कॉमन ले लीजिए ऐसे इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो ले सकता हूँ मैं कि 1/r² इज इक्वल टू 0, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये r² इज इक्वल टू 1/0 लिखें तो ये इन्फिटी हो गया, तो r बराबर इन्फिटी एक तो वैल्यू ये आ सकती है। दूसरी क्या आ सकती है कि यहाँ पर एक तो ये हो गई आपकी, और दूसरी वैल्यू ले सकते हैं कि इफ माइनस के टू ए ओवर आर
प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टू ए ओवर आर इक्वल टू बी, तो आर की वैल्यू देखें तो यहाँ से हो गई टू ए बाई बी। तो देखो आर की हमारे पास दो वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन में ये केवल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है। अब मेरे को पता करना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। तो जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन पता कैसे करें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी आर के लिए होगा। तो उसके लिए हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये वाला मैं कंडीशन लिख देता हूँ पहले, फिर समझते हैं इसको कैसे करना है। तो कंडीशन ये है कि इफ कंडीशन लिखनी है तो लिखें कंडीशन किस चीज की, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन है भाई इसकी, द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल एट अ पॉइंट इफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट इज मिनिमम। अब मिनिमम के लिए आपको पढ़ा हो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आप मिनिमम चाहते हो तो इस डी स्क्वेयर यू ओवर डी आर स्क्वेयर की जो वैल्यू होनी चाहिए ये ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तब देन यू, इस वाले केस में यू कैसा होता है, मिनिमम होता है, यू मिनिमम होता है। और यू अगर मिनिमम होता है इस वाले केस में, अगर लेस देन जीरो कर देंगे तो यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है, आपको ये वाली बात मालूम होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। तो नाउ चेक कैसे करें, डी यू ओवर डी आर इक्वल टू माइनस के टू ए आर की पावर माइनस के थ्री और प्लस बी अपॉन आर की पावर माइनस के टू। इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर दो, वैसे तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आर की दो वैल्यू आ रही है इन्फिटी और आर आवर टू ए अपॉन बी। चॉइस जो है इन्फिटी तो दे ही नहीं रखी, दे रखी होती तो चेक करना पड़ता, एक ही चॉइस है तो टू ए बाई बी पर टिक कर सकते हो आप। बट आप फिर भी एक बार ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, डी स्क्वेयर यू ओवर डी आर स्क्वेयर, इसको डिफरेंशिएट करें तो थ्री आगे आएगा तो प्लस के सिक्स ए आर की पावर माइनस के फोर, ए हमें इसमें भी आगे आ जाएगा तो माइनस के टू बी आर की पावर माइनस के थ्री, ऐसे है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्स ए ओवर आर फोर माइनस टू बी ओवर आर थ्री, ए की वैल्यू आर की वैल्यू आपको पुट करके देखनी होगी। तो इफ आप आर की वैल्यू पुट करिए टू ए बाई बी, इसको ही चेक कर लेते हैं बस केवल इस पर कैसा है। तो डी स्क्वेयर डी स्क्वेयर यू ओवर डी आर स्क्वेयर जो कर दो, ए आर की वैल्यू अगर हम टू ए बाई बी पुट कर दें तो सिक्स ए ओवर आर की पावर फोर है, इसीलिए दो की पावर सोलह चार करें तो सिक्सटीन, और ए की पावर फोर और बी की पावर फोर तो बी ए पावर फोर माइनस टू बी, आर की वैल्यू अगर हम टू ए बाई बी रखें तो दो की पावर तीन करेंगे तो आठ, और ए की पावर तीन और बी की पावर तीन करेंगे तो ऊपर बन जाएगा बी की पावर तीन। तो देखो ये हो गया आपका सिक्स ए, इसे कट गया तो ये हो गया सिक्स बी फोर ओवर सिक्सटीन ए के, और यहाँ पर बचा माइनस के टू बी फोर ओवर एट ए क्यू, यहाँ से सिक्सटीन ए क्यू एलसीएम ले लिया तो ये बचा सिक्स
बी फोर माइनस टू और टू फोर, फोर बी फोर, तो देखो ये प्लस आ रहा है आपका टू बी फोर बाई 16 ए क्यू। तो देखो ये प्लस आ रहा है इसीलिए डी यू स्क्वेयर यू ओवर डी आर स्क्वेयर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसीलिए यू की वैल्यू मिनिमम होगी और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा इस वाले पॉइंट पर। इसीलिए ये चॉइस जो है आपकी इस वाले पॉइंट पर ऐसा हो रहा है, तो इसीलिए इसमें मैं कहूँगा कि चॉइस डी, टू ए बाई बी। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।